हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस में कैफे हाउस रेस्टोरेंट टाइप वेबसाइट बना सकते हैं, साथ साथ कैसे इसका सेटअप और कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कुछ इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसको आप डोमेन जैसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बहुत ही रिलायबल और फास्ट स्पीड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है और सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप .com, .in, .xyz, .org डोमेन भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, और शेयर्ड और रीसेलर और VPS के भी आप इसमें प्लान चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। शेयर्ड प्लान भी आपको मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें SSD स्टोरेज भी मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड बूस्ट करता है। तो शेयर्ड स्टोरेज में अपन देख सकते हैं कि इसमें जैसे 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हो जाती है, जो कि सबसे चीप वेब होस्टिंग है अगर देखा जाए तो। पर इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है, और 4 प्लान जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डोमेन रेसर के शेड के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि अनलिमिटेड SSDDs है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, सी पैनल है, प्लस SEO टूल है, और क्लाउड जो सर्विस है वो भी आपको इसमें अंदर मिलती है। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग फेज में और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, या अपने क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इनके प्लान को चेक कर सकते हैं। बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस, जैसा कि आप 4 प्लान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जैसे अगर बेसिक प्लान के साथ जाएंगे तो आपको जो 5 GB बैंडविड्थ मिलेगी, 1 आप वेबसाइट इसको होस्ट कर सकते हैं, और SSD डिस्प्ले मिलता है आपको 1 GB। पर्सनल में जैसा कि आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान स्टार्ट है, और इसमें आप सिंगल वेबसाइट के साथ आपको अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ है वो आपको प्रोवाइड होती है, और साथ साथ ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट भी आप इसमें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे आप देख सकते हैं कि 169 पर मंथ में इसके प्लान अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप 3 वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। आपको डोमेन अलग से बाय करना होगा, बट जो ये सर्विस है आपको जो 3 वेबसाइट आप एक साथ होस्ट कर सकते हैं। एडवांस में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है, और अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो सर्वर आपको स्पीड मिलती है, SSD स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको इसका जो ये प्लान है वो बता देता हूँ, 3rd प्लान। तो जैसा कि आप इसमें डोमेन अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे GoDaddy या कोई और वेबसाइट से आप इसमें डोमेन परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, कोई भी आप डोमेन का अपना नाम लिख दीजिएगा, और या .com या .xyz आप लिख दीजिएगा जो आपके डोमेन का एक्सटेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के लिए हमें 2271 रुपीज़ हमको पे करना होगा। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को नॉर्मल जो डिटेल होती है वो फिल करके हमको सीधा पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है और पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे जैसे पहले से ही परचेज किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइंट एरिया में जाकर। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा ये सर्विस पे, कुछ इस तरह का इनका पैनल है, अंदर का पैनल जैसे कि आप देख सकते हैं। SEO टूल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट को SEO करने में काम में आता है। और जैसे नेम सर्वर भी आप देख सकते हैं अपने जो डोमेन में, वो नेम सर्वर अपडेट करके आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने सी पैनल में मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और काफ़ी लाइट है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और इनमें आप जैसे बहुत सारे जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, उनको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में, हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी जो डोमेन के अंदर। अब यहाँ हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो अपना डोमेन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना होगा नया, और हम अपना एक जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इजी टू यूज स्टेप है, और आसानी से आप अपनी बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं इस होस्टिंग की सहायता से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इसे जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम से इसे यूज़ में ले रहा हूँ, और मुझको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब इंस्टॉल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसा कि इंस्टॉल हो गया है,
तो कैफे हाउस रेस्टोरेंट टाइप वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा अपने डोमेन में। तो आई होप कि आपने वो इंस्टॉल कर लिया होगा और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए होंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ जैसे पोस्ट सेक्शन के अंदर आप कुछ नया ब्लॉग पोस्ट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। देन मीडिया सेक्शन के अंदर आप कोई इमेजेस, फोटोज़ या मीडिया गैलरी आप ऐड करना चाहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में तो वो डाल सकते हैं। पेजेस सेक्शन में अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और अपीयरेंस में थीम सेक्शन में कुछ नई थीम आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्लगइन सेक्शन यानी टूल्स, तो यहाँ से आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो क्लासिक एडिटर आपको जो फर्स्ट प्लगइन दिखाई दे रहा है इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। देन इसके बाद हम योस्ट SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाला एक प्लगइन है उसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ सर्च करेंगे YOAST योस्ट, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्रो डिजिटल एरा आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। तो अगर आपको यह सर्विस इंटरेस्टेड है या आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसको एक्टिवेट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब वापस अपीयरेंस थीम्स में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ASTRA एक्स्ट्रा सर्च करेंगे। बहुत ही अच्छी थीम है जिसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे और अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो ये जो फर्स्ट आपको थीम दिखाई दे रही है इसी को हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। नाउ हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पे ASTRA सर्च करेंगे। इसका स्टार्टर टेम्पलेट नाम से एक प्लगइन आता है जो हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल करवाता है, तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ सी लाइब्रेरी पे हम क्लिक करेंगे। बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है जिनको यूज़ में लेकर आप बहुत ही अच्छी लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहे अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसका टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या बिजनेस वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कॉफ़ी हाउस शॉप रेस्टोरेंट टाइप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कॉफ़ी सर्च करेंगे हम और यहाँ पर एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। लगभग सारे टेम्पलेट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यानी आपको एक पैसा भी इसमें इन्वेस्ट मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको होस्टिंग और डोमेन ही चाहिए होती है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कुछ इस तरह का आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड विद माई वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे तो 1 से 2 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। होस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होती है वेबसाइट के लिए, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डोमेन डेसर के साथ जा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी लेवल की स्पीड होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी वेबसाइट का डाटा इम्पोर्ट हो चुका है और हमारी वेबसाइट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, यानी ये मोबाइल में भी आपको सही ढंग से दिखेगी। जो भी यूज़र होगा उनका मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे। अब यह एडिट विद एलिमेंटर हम क्लिक करके इसको जो होम पेज है इसको हम एडिट करेंगे। तो हमारे ये जो एलिमेंटर प्लगइन है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट है, कोई इमेजेस है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और साथ साथ कुछ नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल में कुछ इस तरह की शो हो रही है।
जैसे ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और नई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। वेलकम कैफे लिखा है मैंने यहाँ पे। ये 6 डॉट पे क्लिक करके हम अगर इसकी वो इमेज हमें ऐड चेंज करनी है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इमेजेस है बैक की वो भी चेंज हो गई है। अब बुक के टेबल पर क्लिक करके आप यहाँ का कुछ लिंक ऐड करना चाहते हैं बटन की, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या आप अपना व्हाट्सएप API URL दे सकते हैं ताकि अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपको ऑर्डर दे सकता है। मतलब आप क्लाइंट के लिए भी बहुत ही अच्छी लेवल की वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब जैसे ये इमेज है, इसको भी आप दूसरी इमेज आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और ये जो मेनू है वो भी आप यहाँ पे चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे अमाउंट है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये डॉलर में इसको तो आप आरएस लिख सकते हैं, या जो भी आपका मेन्यूज है उसकी इमेजेस अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो वो यहाँ आप अपलोड करके सीधा ही डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये रिव्यू सेक्शन है, तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो कोई टेस्टिमोनियल डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। इमेजेस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नीचे आप कोई होम पैकिंग की, जैसे इसमें अगर आपको सुविधा देते हैं तो उस रिलेटेड आपकी जो पैकेजिंग है या कुछ और डिटेल है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो गैलरी है इमेजेस गैलरी, तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके आप कुछ नया सेक्शन ऐड करना चाहे, चाहे वो टेक्स्ट का हो सकता है, वीडियो का हो सकता है, इमेजेस का हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसका हेडर और फुटर कैसे चेंज करेंगे। तो इसका कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे हम ऊपर अपने, और यहाँ पर जो हम लोगो है, कुछ मेन्यूज बार है, कुछ वो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि हम ये PNG लोगो है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये लोगो सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा ये लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही हम फुटर में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं आसानी से। जैसे ही आप इमेज ये चेक कर सकते हैं, इस इमेज में अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अपने लोगो कुछ आप डालना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो डाल सकते हैं। फॉलोअर्स बटन आप देख सकते हैं, सोशल लिंक वो चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसको पब्लिश पे क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। अब वापस हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे हम, आपको बहुत सारे पेजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक पेज ओपन करके दिखा देता हूँ, जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था तो हम इसमें बहुत सारे हमारे पेज भी इंपोर्ट हुए थे। तो यहाँ पर उसको भी आप एडिट विद एलिमेंट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा अपन ने होम पेज में किया था। तो इस तरह आप इन पेजेस को भी आप सेटअप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं।
एलिमेंटर टूल की मदद से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल में होता है। तो यह अबाउट अस सेक्शन में अगर आप कुछ चाहे तो चेंज करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। अब या अपीयरेंस में, मेन्यूज़ में चाहे तो मेन्यूज़ आप कुछ नया मेन्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट लिंक्स आप ऐड करना चाहते हैं, कोई पेज ऐड करना चाहते हैं मेन्यूज़ में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हम ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करके सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी क्विक लिंक्स है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह हमने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है, और इस तरह आप बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।